हेलो एंड वेलकम गाइस वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस मेरा नाम है कुश पांडे और आप देख रहे हैं द डेली अफेयर्स एनालिसिस ऑन एग्जाम सेंट्रिक वेरी वेरी वॉम वेलकम एवरीवन टू द करंट अफेयर्स एनालिसिस आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे सेशन में तो चलिए गाइज शुरू करते हैं मेरा चेहरा और हसीन हो गया है और आप लोग भी और खूबसूरत और बेहतरीन हो गए हो सो अ वेरी वॉम वेलकम एवरी वन टू द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस गाइज माई नेम इज कुश पांडे एंड चलिए शुरू करते हैं आज के इस चर्चा को बिना किसी देरी के सो विदाउट फर्दर डू लेट स्टार्ट अ डिस्कशन हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीन देर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सी डैट ये बहुत ही फेमस कोट है गाइज़ लाइफ में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर बैठ जाएं। उस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं क्या सक्सीड कर सकते हैं वो आपको देखना है वन ऑफ द लेजेंडरी लाइन्स बाय स्टीफन हॉकिंग हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम देर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट सो अ वेरी वॉम वेलकम एवरी वन आप सबका स्वागत है एवरी वन थोड़ा सा पिछले कुछ टाइम से फीवर आ रहा है मेरे को कोविड नहीं है मैंने चेक करा लिया है पर हाँ थोड़ा सा कफ इन कोल्ड और फीवर है तो वो समय समय पर उठ रहा है मैं फिर से चेक करा लूँगा आप कहने पर पर अभी के लिए इट्स परफेक्टली फाइन एंड सुबह सुबह तो बढ़िया लगता है शाम आते आते थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है सो अ वेरी वॉम गुड मॉर्निंग अ वेरी वेरी वॉम गुड मॉर्निंग टू एवरी वन Uh, कल हमने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे सवाल पहला था सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट इसका आंसर आप सबने सही दिया था इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर टू विच बिजनेस मेजर हैज डिसाइडेड टू बाय ऑनलाइन ग्रोसर स बिग बास्केट एंड हैज़ अप्रूव द कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडियाज़ अप्रूवल पहले उसका आंसर है आपका टाटा टाटा ग्रुप तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप सबने बिल्कुल सही दिए हैं अब आते हैं आज के रिवीजन पर फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन फॉर एवरीवन पर उससे पहले का इस आई वुड वांट एवरीवन जल्दी से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एग्जाम सेंटर टेलीग्राम ग्रुप पे और बाकी जगहों पर वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए जल्दी से एवरी एंड सेकेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए निशा रे आई एम परफेक्टली फाइन थोड़ा बहुत फीवर रहता है है ना और कोविड में तो मेरा टेस्ट आपका आ, नेगेटिव आया है पर आ, कुछ कह नहीं सकते आप है ना सो वेरी वॉम गुड मॉर्निंग एवरी वन लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ मेट्रो ट्रेन ट्रायल फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज़ डन बाय अ जापनीज कंपनी द क्वेश्चन इज किस कंट्री uh, में आपका हुआ था उसका आंसर है आपका ऑप्शन दैट इज बांग्लादेश ढाका में यह आपका करीब फाइव हंड्रेड मीटर्स तक का एक स्लो स्पीड पर आपका ट्रायल जो है वो दोस्तों यहाँ पर किया गया क्वेश्चन नंबर टू इंडिया हैड इट्स फोर्थ फशियल डायलॉग विथ विच कंट्री अभी हाल ही में इंडिया का जो फोर्थ फाइनेंशियल डायलॉग है वो इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया इसका आंसर है आपका स्विट्जरलैंड के साथ उन्होंने ये जो फाइनेंशियल डायलॉग है उसको किया क्वेश्चन थ्री विच स्टेट हैज़ मंकी एज अ पार्ट ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ सेंसेस इनमें से कौन सा वो राज्य है जिसका मंकी जो है वो आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंसेस जो है उसके पार्ट पे आता है वेल दी आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द आंसर इज़ इट इज़ आपका हरियाणा हरियाणा में आएगा और ये आपका एक डिजिटल सेंसेस होगा जिसमें ऐप का यूसेज जो है आपका दोस्तों वो किया जाएगा क्वेश्चन फोर विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल फॉरन इन्वर्ड रेमिटेंस एडवाइस इनमें से वो कौन सा कंपनी है जिसने जिसने इंट्रोड्यूस किया है आपका डिजिटल फॉरन इन्वर्ड रेमिटेंस एडवाइस वेल दी आंसर इज़ इट्स आपका पेपाल पेपाल ने इसको जो है वो आपका इंट्रोड्यूस अभी हाल ही में किया है क्वेश्चन नंबर फाइव विच बैंक हैज़ लॉन्च आई चूज़ माई नंबर फीचर वेल इस फीचर को आपका दोस्तों लॉन्च किया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उसने इस फीचर को आपका जो है वो हाल ही में आपका लॉन्च किया है क्लियर है सबको एवरीवन समझ में आ रहा है सबको कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में यस सर 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 हमें समझ में आ रहा है सो गाइस आई होप आप सबके पांच में से पांच हो गए होंगे और आप लगातार सेशन्स को देख रहे होंगे ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारे आज के रिवीजन से एक बार ज़रा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो वन बाय वन यहाँ पर दोस्तों आ गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के डिस्कशन को गाइज व्हाट्सएप का ओनर कौन सी कंपनी है मेरे कोई बताएगा जल्दी से कौन सी कंपनी आपकी व्हाट्सएप की ओनर है आंसर है आपका फेसबुक एंड अभी व्हाट्सएप को लेकर और फेसबुक को लेकर इशू है जर्मनी का जो रेगुलेटर है उसने कैटेगोरिकली कहा है कि इट विल बेसिकली नॉट अलाउ फेसबुक टू यूज़ द डेटा फ्रॉम व्हाट्सएप उसने साफ तौर पर ये क्लियर किया है कि जो भी यूज़र डेटा आपका व्हाट्सएप का है और जो भी लोगों ने अग्रीमेंट किया है फॉर प्रोवाइडिंग दी न्यू टर्म्स ऑफ सर्विस उसको इलीगल करार दिया है आपके अंडर द यूरोपियन प्रिवेसी लॉ और इस वजह से आपका जो रेगुलेटर्स है जर्मनी के वो आपका न्यूज़ में है रेगुलेटर्स के नाम मैंने कल डिस्कस किए थे तो उसको डिस्कस नहीं करूँगा पर एज़ पर दी रिसेंट अपडेट जर्मन रेगुलेटर्स जो हैं उन्होंने फेसबुक कहा है कि भाई वो आप व्हाट्सएप का डेटा जो है वो आपका दोस्त यूज़ नहीं कर सकते अब एक यहां पर सवाल आता है कि ये बेसिकली हुआ क्या वॉट हैपन वेन द वॉट्स न्यूज टर्म स्टार्ट ऑन फिफ्टींथ में अगर आपने ऑलरेडी साइन किया है या नहीं किया है तो आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा देखिए एज पर दोर्सेज व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर आपने नहीं भी किया है तो आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा ठीक है मतलब यू स्टिल हैव द टाइम टू टू गेट लिमिटेड एक्सेस पर सारा एक्सेस आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा जो कि 15 में को कहा गया था इंडिया के अंदर 15 में डेट को पोस्टपोन किया गया इंडिया में अभी भी आप अपडेट कर सकते हो पर वो डेट कब तक रहेगी इसका कोई अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं आया है सो बिकॉज ऑफ द यूज़र डेटा अपडेट और द टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट ऑन व्हाट्सएप वेरियस कंट्रीज़ में आपका उसको लेकर इशू है और फॉर एग्जांपल जर्मनी ने तो जो यूज़र डेटा है व्हाट्सएप का उसको लिंक करने से या शेयर करने से फेसबुक को मना किया है या फिर बैन किया है तो आइए ज़रा एक बार जान लेते हैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा तीन लीडिंग आपकी एप्स हैं जो सेम काम करती हैं व्हाट्सएप सिग्नल और टेलीग्राम यहाँ पर पहला वर्ड आता है आपका एंड टू एंड इनक्रिप्शन इसका मतलब होता है कि इसका एक्सेस किसी के पास नहीं होता सेंडर और रिसीवर के पास आपके पास होता है और साथ ही साथ जो रिसीव कर रहा है उसके पास होता है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात करें तो व्हाट्सएप पे तो होता है सिग्नल्स तो होता है पर टेलीग्राम पे सिर्फ सीक्रेट चैट्स के लिए होता है हर किसी के लिए नहीं होता बात समझ में आ रहा है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है वो आपकी WhatsApp सिग्नल पे तो है पर वो आपकी टेलीग्राम पे दोस्तों नहीं है व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन डिस्पियरिंग मैसेजेस का सिग्नल पे भी है और आपका टेलीग्राम पे भी है चैट बैकअप की बात करें हाँ व्हाट्सएप पर वो थर्ड पार्टी आपका स्टोर करता है ये आपका आ, डिवाइस पे स्टोर होता है सिग्नल पे और यहाँ पर टेलीग्राम के क्राउड पे होता है स्क्रीन लॉक की बात करें तीनों में स्क्रीन लॉक आपका लग सकता है एड्स में व्हाट्सएप पे और सिग्नल पे ऐड नहीं आते पर हाँ टेलीग्राम पे आ सकते हैं ग्रुप चैट में आपका व्हाट्सएप पे भी है सिग्नल पे भी है पर आप टेलीग्राम पे नहीं है और वीडियो एंड वॉइस कॉल्स में तीनों ही ऑप्शंस में आपको होता है तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं पर सबसे जो वाइडली यूज सर्विस है इंडिया में भी वो अभी भी आपकी दोस्तों व्हाट्सएप को ही रखा गया है तो इसकी जो टर्म टर्म सर्विसेज हैं उनको देखना यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा गाइस uh, एक प्रोजेक्ट है जो कि uh, दुनिया का एक वन ऑफ दी लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म है जो आने वाले समय में करीब चार लाख से ज्यादा फोर हंड्रेड थाउजेंड होम से ज़्यादा आपका सपोर्ट करेगा पावर को और ये जो प्रोजेक्ट आपका है इसकी बात हम आपके सामने करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है आपका वाइन यार्ड विंड प्रोजेक्ट ठीक है ये पहला एक मेजर ऑफ़शोर विंड फार्म प्रोजेक्ट है और इसकी जो एक पावर कैपेसिटी है अगर उसको कंपेयर करें तो करीब चार फोर हंड्रेड थाउजेंड होम्स को ये आपका जो बिजली है वो दे सकती है बेसिकली माथास वाइनाइट जो है बहुत ही फेमस वाइनयार्ड है उस वाइनाइट उस वाइनाइट के 12 नाइट नोटिकल माइल्स के डिस्टेंस पर आपका जो है ये सेटअप किया गया है इसका नाम है आपका वाइनाइड विंड प्रोजेक्ट और बेसिकली यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट में जो बिजली होगा वो केबल्स के थ्रू ओशियन फ्लोर से छः फीट नीचे मतलब ये अगर आपका इसके नीचे जो, जो ओशियन फ्लोर है उससे छः फीट नीचे से आपका जो बिजली है वो वो केबल्स के थ्रू आपकी प्रोवाइड की जाएगी और ये जो बिजली है इसे आपका आ, आपका केव कॉर्ड ये बिजली जो है ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये आपका 2023 में आपका दोस्तों जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं रिपीट फिर से आपके लिए कर दूंगा इस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइन यार्ड विंड विंड प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करने की बात है ठीक है एक सेकेंड हाँ उसको लॉन्च करने की आ, दोस्तों बात है और ये जो आपका वाइन प्रोजेक्ट है ये आपका फाइनली uh, अप्रूव किया गया है बेसिकली काफ़ी लंबे समय से डिले आपका चल रहा था और uh, ये जो प्रोजेक्ट है दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिस इज़ द थर्ड प्रोजेक्ट ऑफ द यूएस। मतलब तीसरा ऐसा एक विंड प्रोजेक्ट है जो कि यूएस का है पर अब तक का उसका सबसे बड़ा ये विंड प्रोजेक्ट है बेसिकली uh, एक जगह है आपकी मैसेचुसेट्स ठीक है उसके कोस्ट पे आपका ये सिचुएटेड है ये प्रोजेक्ट और इसको फाइनली आपका जो है वो अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है बेसिकली uh, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी होगी आपकी 800 मेगावाट की तो मैं रिपीट फिर से आप ले कर दूंगा इस काफ़ी डिले के बाद यू ने अप्रूवल दिया है अपने थर्ड विंड प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट आपका जो है इसका नाम है वाइन यार्ड विन प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट आपका मैसाचुसेट्स के कोस्ट पे बनेगा नंबर टू नंबर थ्री इसका कैपेसिटी होगा आपका एट मेगावाट और नंबर फोर ट्वेंटी में बनकर आपका जो है ये रेडी हो जाएगा इसका अपडेट यहाँ पर दोस्तों जो है वो दिया गया है इसका अप्रूवल पेंडिंग था पर फाइनली इसका जो अप्रूवल है वो आपका फ्रेंड वो आपका अप्रूवल तो उस तो यहाँ पर कर दिया गया है ठीक है हाँ इस वजह से ये आपका न्यूज़ में है बेसिकली देखिए प्रॉब्लम क्या था कि जो माथार्स वाइनयार्ड था उसके काफ़ी पास था और उस पर्टिकुलर वाइन याड पर कई तरह के वेकेशन होम्स बने हुए हैं तो उनको एक डैमेज ना करते हुए इकोलॉजिकली uh, मामले को देखते हुए ये अप्रूवल फाइनली आपका जो है वो दे दिया गया है समझ में आ गया सबको एक बार जरा कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, सर हमें समझ में आ गया स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं ये पहला मेजर ऑफ शोर विंड फार्म है पावर फोर थाउजेंड होम्स की है इसमें करीब एटी फोर टर्बाइन आपका लगेगा अटलांटिक ओशन में और ये माथास वाइन याड एटनाटिकल माइन के पास है बेसिकली केबल्स के थ्रू आपकी जो बिजली है उसे आपका दोस्तों सप्लाई किया जाएगा और 2023 में आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूवल पर चला जाएगा क्लियर हो गया सबको क्या बात है आगे बढ़ कतरा कतरा क्लियर हो गया सबको आप सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक गाइस आप सबको ईद मुबारक एंड आप सबको भगवान अल्लाह वाहेगुरु सब लोग क्राइस्ट आप सबको कोरोना से बचाएं थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपका ये बन रहा है सॉरी यहाँ पर आपका ये बन रहा है ठीक है और यहाँ पर ये मार्थास वाइन है एंड दिस इज़ द नानू टकेट वाइन इसके बीच बन रहा है ये जो दो एरियाज़ हैं द नान टुकेट और ये ये दो एरियाज में आपके बहुत ही एक्सपेंसिव वेकेशन होम्स हैं तो इनको डैमेज ना पहुँचाते हुए और इनको बेसिकली ये आपका पावर सप्लाई भी करेगा तो वहाँ पर ये आपका होगा ठीक है एंड इस वजह से ये अप्रूवल में था और अब फाइबर केबल्स के जरिए अप्रूवल आपका जो है वो दिया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने दोस्तों एक फिश है इस फिश का नाम है आपका दी पैसिफिक फुटबॉल फिश ठीक है ये फ़िश का नाम है बेसिकली यूएसए में जो कैलिफोर्निया कोस्ट है यू में जो आपका कैलिफोर्निया कोस्ट है वहाँ पर ये फ़िश को आपका देखा गया ठीक है और वहाँ पर ये फिश आपकी आ, डेट पाई गई बेसिकली ये जो फिशेस होती हैं ये ब्लैक कलर की होती हैं और इन्हें कहा जाता है मॉन्स्टर लुकिंग फिश जनरली इनको ये नाम आपको दिया जाता है दन, इज मॉन्स्टर लुकिंग फिश और बेसिकली दिस फिश आर अंडर द फिशेस ऑफ लीस्ट कंसर्न मतलब ज़्यादा इनके आ, एक्सटेंशन को लेकर डाउट नहीं है एस पर दी आई यू सी एन तो उसमें ये लीस्ट कंसर्न स्पीशीज में आपकी दोस्तों जो है वो आती हैं और क्योंकि यहां पर आपकी पाई गई हैं इसलिए इन फिशेज का नाम यहाँ पर आपके सामने मैंने दोस्तों बता दिया है नाम है आपका पैसिफिक फुटबॉल फिश जनरली ये आपकी देखी नहीं जाती है और इसलिए ये फिश आपकी यहाँ ये फिश आपकी यहाँ पर जो है वो आपकी देखी गई है बेसिकली एक जगह है उस जगह का नाम है आपका लगूना बीच लगूना बीच में ये फिश जो है उसको आपका ट्रेस किया गया है तो मैं आपको रिपीट फिर से कर uh, Pacific football fish फुटबॉल फिश विच इज़ ब्लैक also कलर ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट लुकिंग फिश हैज़ बीन फाउंड एट the द लगूना बीच एट इन California कोस्ट और बेसिकली ये फिशेज़ आपकी रेयर हैं और ये फिशेज़ आपकी दिखती नहीं है और फाइनली इसको यहाँ पर जो है वो आपका देखा गया है क्लियर है सबको क्लियर है सबको एवरी वन कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में येस सर येस सर यस सर हमें क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका दिया भी हुआ है आगे बढ़ते हैं चाइना जो है उसने क्लासिफाई किया है यावगान सैटेलाइट्स को इनटू ऑर्बिट बड़ा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कई चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट इट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ चांगसी टू सी रॉकेट से एक फ्रॉम दी शीचांग सैटेलाइट सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक यावगा सैटेलाइट बेसिकली ये सेटेलाइट जो होती हैं यावगान ये सैटेलाइट आपकी यूज़ की जाती हैं फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगनीटिक सर्वेस सर्विस एंड अदर एस्पेक्ट्स तो उन सर्विस को करने के लिए आपका इन जो सैटेलाइट्स हैं इनको आपका यूज़ किया जाता है तो इनको ऑबिट में क्लासीफाई किया है कि इनका लॉन्च हो चुका है और ये अब आपकी जो है वो दोस्तों ऑर्बिट में आपकी दोस्तों जा चुकी हैं एज पर द चाइनीज सोर्सेज चाइनीज़ की जो स्पेस एजेंसी है सी एन एस ए उसने इसको लॉन्च किया है आपका और ये जो लॉन्च आपका है ये लॉन्च किया गया है फ्रॉम दी चैंगसी टू सी रॉकेट एंड ये शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से आपका दोस्तों जो है वो लॉन्च आपका किया गया मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ गाइस मैं पढ़ देता हूँ आपका चाइना हैज़ कंडक्टेड टू लॉन्चेस मतलब उसने दो यावगान सैटेलाइट्स के लॉन्च किए हैं प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और ये लॉन्च आपका किया गया है फ्रॉम शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना वहाँ से आपका दोस्तों लॉन्च किया गया है बेसिकली ऑलरेडी इससे पहले ट्वेंटी से लगातार आपका चाइना जो है वो यावगा सैटाइस को लॉन्च कर रहा है इनको लॉन्च करने का उसका मेन मकसद है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सर्विस कराना इन दी आउटर स्पेस उन सर्वेस को कराने के लिए इसको जो है वो आपका लॉन्च वो लगातार आपका कर रहा है ठीक है और जैसे मैंने पहले कहा इलेक्ट्रो एले, मैग्नेटिक एन्वायरमेंट सर्विस के लिए और अदर टेस्ट के लिए इसका दोस्तों जो है वो आपका यूज़ किया जाएगा ठीक है समझ में आ गया सबको एवरी वन हाँ एवरीवन समझ में आ गया ये जो आपकी सैटेलाइट्स हैं इट वाज द ट्वेल्थ एंड दर्टींथ लॉन्च ऑफ दोग सैटेलाइट्स ओवरऑल ये आपका आ, आने वाले सालों में इस साल आपका ये 40 एसी फोर्टी लॉन्च तक ये आपका जाएगा सो ओवरऑल आर द ट्वेल्थ एंड थर्टीन लॉन्च और ये आपका इनका और इस साल ये 40 लॉन्चेस तक पहुंचेगा फॉर दी यावगान सैटेलाइट मैं रिपीट फिर से कर दूंगा इज़ यावगान सैटेलाइट्स आपका जो ऑप्टिकल सेंसिंग सैटेलाइट्स से हैं जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका टेस्टिंग है उसको देखती हैं ठीक है क्लियर हो गया आप सबको एवरी वन कमेंट कर दीजिएगा येस सर यस सर येस सर अच्छा इसके अलावा गाइज इसके अलावा बात करें तो मे में वो एक और चीज़ लॉन्च करने वाला है मे में इट विल लॉन्च इट्स कार्गो सैटेलाइट फॉर इट्स फॉर इट्स स्पेस स्टेशन और उस सैटेलाइट का दोस्तों जो नाम है दैट इज़ आपका टी टू तो उसको भी ये आपका मे में, में लॉन्च करेगा और इससे पहले ऑलरेडी वो जो टिया जो टी टि, टि, करके उसका स्पेस मॉड्यूल है उसको वो लॉन्च कर चुका है तो मई में, में आपका ये अब टियांगो अब आप, आपका ये टिन्ज़ू टियांज़ू को भी आपका दोस्तों जो है वो लॉन्च करेगा क्लियर हो गया सबको समझ में आ रहा है सबको क्या मैं स्पीड बढ़ा दूँ क्या मैं सेशन को और तेज़ कर दूँ या फिर आपको हर चीज़ नोट भी कर पा रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मोदी जी ने दोस्तों आपका जो पीएम किसान का मॉडल है आ, उसका जो एथ इंस्टॉलमेंट है अंडर द स्कीम उसको दोस्तों उन्होंने रिलीज़ किया है मित्रों उन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया है बेसिकली ये जो आपका उनका नाइनटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का एक ट्रांसफ़र है टू फिफ्टी लाख फैमिलीज़ टू नाइन करोड़ फिफ्टी लाख फैमिलीज़ वो इंस्टॉलमेंट आपका जो है वो दोस्तों जा चुका है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दिस विल एनेबल द ट्रांसफर ओ मोर दैन 19,000 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ टू मोर दैन नाइन करोड़ फिफ्टी लाख फैमिलीज ऑफ फार्मर्स तो उसका ये आपका आठवां इंस्टॉलमेंट था जिसको उन्होंने दोस्तों आपका लॉन्च कर दिया पी एम किसान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये इसका फुल फॉर्म है बेसिकली ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी और इस स्कीम में हंड्रेड परसेंट फंडिंग आपकी सरकार करता है स्कीम को इंप्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने और इसमें एवरी ईयर रुपीज सिक्स थाउजेंड पर ईयर इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इज प्रोवाइडेड टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इसमें जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी आपका दोस्तों जो है ये दिया जाता है किनको दिया जाना है उसकी पहचान आपका स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं और, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एट इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया जिसमें करीब नाइन्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ ये इसके अंदर उनका करीब आपके नौ करोड़ पचास लाख फैमिली का फ़ायदा होने वाला है ठीक है अच्छी अच्छी चीज़ है इसके अलावा अगर वो चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं सेकंड मेन कंसर्न हमारा और मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा मेन कंसर्न हमारा और आप सबका दोस्तों क्या है वो कंसर्न है कि भाई वैक्सीनेशन को बढ़ाओ दैट इज़ द मेन कंसर्न ठीक है हाँ हाँ दैट इज़ द मेन कंसर्न बाकी तो आपने पढ़ लिया एग्जामिनेशन में यही आएगा कि PM किसान का फुल फॉर्म क्या है कौन सा इंस्टॉलमेंट आपका गया कितना प्राइस आपका कितना अमाउंट आपका रहता है यार जॉब से इंपॉर्टेंट है लाइफ प्लीज समझो जान है तो जहान है वैक्सीनेट हो जाओगे हाथ पैर भगवान ने आपको दिया है कुछ ना कुछ कर ले जाओगे अगर हाथ पैर भगवान नहीं दिया अगर हाथ पैर चले गए या खुद चले गए ऊपर तो कौन देखेगा मेरे को तो कल एक, एक सपना आया सपने में मैंने क्या देखा कि मेरे पास चार हाथ हो गए मैंने कहा भगवान चार नहीं चाहिए दो ही हाथ काफ़ी हैं मेरे को वैक्सीनेट करा दो मेरे को और हाथ नहीं चाहिए और पैर नहीं चाहिए ना मेरे को ऐसा कुछ एस चाहिए मेरे को सिर चाहिए वैक्सीनेशन बस दैट इज़ दी ओनली थिंग और राइट चलिए योगेश वर्मा जी कम कंपलसरी वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा कंपलसरी करने के लिए वैक्सीन होनी चाहिए वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है हमारे देश में बात समझिएगा वो जब बढ़ेगा तो ही वैक्सीनेट आप कर पाओगे हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली की बात करते हैं कहीं इस दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 17 परसेंट से कम हो गया है अब अगर उस फिगर को हम सही माने तो कोरोना जा रहा है ऐसा कह सकते हैं पर अगर मैं कंपेयर करूँ उसको गोवा से गोवा जिसमें काफ़ी कम इफेक्ट हुआ था पिछले साल वहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है दैट इज़ अबव फिफ्टी परसेंट तो एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई है लॉकडाउन कर दो केसेस कम हो जाएंगे पर आगे वैक्सीनेशन नहीं होगा तो क्या होगा तो गाई दिल्ली की ही बात करते हैं दिल्ली पुलिस जो है उसने एक हेल्पलाइन व्हीकल हेल्पलाइन जिसका नाम है कॉबी वैन उसको लॉन्च किया है और ये जो कॉबी वैन है बेसिकली ये सीनियर सिटीजन्स के लिए आपका दोस्तों बनाया गया है बेसिकली ग्रेटर कैलाश वन में इस पर्टिकुलर वैन को लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ पे जो आर के सीनियर सीनियर सिटीजन हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट कर सकें Uh, इस पर्टिकुलर वैन में आपका ग्लव्स होंगे सैनिटाइजेशन होगा मास्क होगा डिस्टेंसिंग होगा और जब कभी ट्रैवल होगा तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर खास तौर पर आपका दोस्तों जो है वो फोकस किया जाएगा सो डेली पुलिस गाइज़ हैज़ लॉन्च अ व्हीकल हेल्पलाइन दैट इज़ कॉल्ड एज़ कोविवैन फॉर सीनियर सिटीज़न्स ताकि अगर कैब्स ना मिल पाएँ और अगर अगर सीनियर सिटीजन्स को वरिष्ठ नागरिकों को आपका कम्यूट करना हो तो उनके लिए इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है फिलहाल ये आपका ग्रेटर कैलाश वन जो लोग नहीं जानते जो लोग डेली से नहीं है ग्रेटर कैलाश वन इज़ कॉल्ड एज जी के वन इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पॉश लोकेलिटीज़ ऑफ डेली तो यहाँ तो होना ही था यहाँ के वैसे भी बुज़ुर्ग लोग ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पर लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने इस पर्टिकुलर वैन का नाम है आपका कोवी वैन ठीक है इससे पहले का महाराष्ट्र की बात भी करेंगे महाराष्ट्र में आपका वैक्सीन ड्राइव इन फैसिलिटी आपकी लॉन्च हुई है इसके अलावा वहाँ पर जो उनका ट्रीटमेंट है इनडायरेक्ट जो उनका एक अब काम चल रहा है फॉर हेल्पिंग कोविड पेशेंट्स एंड कोविड फैसिलिटीज़ उसको लेकर दुनिया भर में तारीफ़ आपकी हो रही है तो उस वजह से महाराष्ट्र भी आपका दोस्तों न्यूज़ में बना हुआ है क्लियर हो गया सबको समझ में आ गया सबको कतरा कतरा क्लियर हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आ, मैंने डिस्कस किया था कई सबसे पहले हमने बात बताया था आपको हैदराबाद में आपके आठ लाइन्स जो हैं नेहरू नेहरू जुलॉजिकल गार्डन में आपके कोविड पाए गए थे उसके अलावा आपके लाइनस आपके कोविड कोविड पॉजिटिव पाए गए थे इन आ, इन दी इटावा नेशनल पार्क नेशनल सफारी जो कि यूपी में है और अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में आपका लायन जो है वो कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव आपका दोस्तों जो है वो पाया गया है सो ये थर्ड इवेंट है आपका आफ्टर नेहरू नेहरू पार्क इन हैदराबाद आफ्टर इटावा इन यूपी अब आपका जयपुर राजस्थान में आपके लायन टेस्ट एक लायन जो है वो आपका पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है कोविड नाइन्टीन का बिल्कुल सही कह रहे हैं वेद वर्मा रशिया में एनिमल की वैक्सीन आ गई है एक बड़ा बहुत बेसिक बात समझो बहुत बेसिक बात समझो अगर इंडिया वैक्सीन डेवलप नहीं करता है तो इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इम्पोर्ट करने के लिए पैसा एक्सेसिव देना पड़ेगा बिकॉज कोई भी देश फ्री में हमें कुछ नहीं दे रहा बात समझना हमने फ्री में हमने फ्री में 6.6 करोड़ वैक्सीन डोज को बांट दिया है पर फ्री में हमें कुछ नहीं मिल रहा ठीक है तो जब फ्री में मिलेगा जब हम खुद बनाएंगे तो हम वैक्सीनेट कर पाएंगे ठीक है न्यूरॉन क्लास भाई आप क्यों नहीं समझते हो दो दिन से बहुत हाई फीवर है जिस वजह से मैं क्लासेस को ले पा रहा हूँ बड़ी बात है ठीक है सर बार बार आपके कमेंट करने से कुछ काम नहीं चलेगा तो गाइज अ लायन हैज टेस्टेज पॉजिटिव एट दी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इन जयपुर और ये आपका थर्ड इवेंट है इस पर्टिकुलर पार्ट का पाकि गईस मेरा जी ए जी के बैच आपका आ रहा है सेवनटीन मे को इस बैच का नाम है चक्रव्यू ये बैच पे आपको मिलेगा 200 सौ सीट्स इनमें अभी ऑलरेडी आपकी 50 सीट्स के करीब बची हुई हैं और ये आपका सेवनटीन्थ मंडे स्टार्ट हो रहा है इस पर थर्टी परसेंट का डिस्काउंट है आपको यूज़ करना है कोड एग्ज़ाम थर्टी और आपको इस पर डिस्काउंट जो है वो दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक मोबाइल फैसिलिटी आपकी जो है जर्नलिस्ट के लिए लॉन्च की है ताकि वो वर्चुअल हियरिंग्स आपकी कर पाएँ ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना ने कहा है कि इज़ ऑल्सो इंक्लाइंड टू हैव टेलीवाइज रिकॉर्डिंग्स टेलीवाइज लाइव टेलीकास्ट ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स मतलब वो ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिस्कशंस होते हैं उनकी भी लाइव uh, टेलीकास्ट आपका कराया जाए तो uh, uh, उनके हिसाब से uh, ये एक जो मोबाइल फैसेलिटी है जहाँ पर जर्नलिस्ट आके वर्चुअल हीरिंग्स अटेंड कर सकते हैं उस फैसिलिटी को उन्होंने अलाउ किया है और इसी आप एप्लीकेशन को उन्होंने इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया उन्होंने इस बात को भी कहा है कि दे वांट द मीडिया दे वांट द लाइव कास्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स ताकि देर इज़ बेटर ट्रांसपेरेंसी इन द इंटायर कंट्री और उसको भी उन्होंने दोस्तों जो है वो अग्री किया है सो so, मैं रिपीट फिर से करूंगा इज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लॉन्च अ मोबाइल फैसिलिटी फॉर जर्नलिस्ट टू अटेंड वर्चुअल हियरिंग्स इन द टाइम्स और द टाइम्स ऑफ कोविड नाइन्टीन उसको भी उन्होंने अप्रूवल या उसको भी उन्होंने अलाउ आपका किया है किसने अलाउ किया है आपका भारत के नए चीफ़ जस्टिस द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना उन्होंने इसको दोस्तों जो है वो आपका अलाउ किया है आगे बढ़ते हैं गाइस फेडरल बैंक और माश्रैक बैंक जो यू का है उन्होंने पार्टनरशिप की है ताकि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र्स आपकी यू से इंडिया में हो जाए यू ऑल नो गाइज Um, thousands of Indians work in the UAE either as 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 a white collar in white collar jobs or in blue collar jobs या तो वो labor sector में है या फिर वो official sector में है पर बहुत सारे लोग UAE में काम करते हैं तो उस particular काम के लिए उन्हें पैसे मिलेंगे of course और वो पैसे India भेजना चाहते हैं तो to make instant money transfers from UAE to India माशरक बैंक के साथ फेडरल बैंक जो है उसने आपका जो है वो टाइप किया है और इस टाइप से जो आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र है फ्रॉम यू ए टू आ, टू इंडिया वो आपका दोस्तों और आसान जो है वो आपका बन जाएगा ठीक है और आसान जो है वो आपका बन जाएगा फेडरल बैंक की दोस्तों बात करें तो फेडरल बैंक का जो कैपिटल है जो आपका हेडकोर्टर है वो आपका अलूबा केरला में बेस्ड है फेडरल uh, बैंक का जो टैगलाइन है वो दिया हुआ है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर फेडरल बैंक के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है आपका श्याम श्रीनिवास वो इनके चेयरपर्सन है और ये आपका फेडरल बैंक जो है वो 1931 से आपका लगातार जो है वो वर्क कर रहा है इसका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आपका दुबई में भी है और शायद इसी वजह से दुबई अबूधाबी में भी है और वहीं इसी वजह से उनके साथ अग्रीमेंट आपका मास्टरैक बैंक जो है उसने दोस्तों किया है मास्टरैक बैंक पर आपका सवाल नहीं आएगा कि मास्टरक बैंक के हेडकोर्टर कहाँ पर हैं वो नहीं आएगा हाँ फेडरल बैंक पे आपके क्वेश्चंस दोस्तों आ सकते हैं uh, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा गाइस आप प्लीज वही पढ़ो जो एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो ठीक है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बहुत टाइम है अभी वही पढ़ो जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है पर यहां तक सबको क्लियर है एवरी सबको क्लियर है यहां तक ओके okay. आगे बढ़े कोई डाउट किसी को एनी वन एनी डाउट वॉट्स एवर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं मुठूट फाइनेंस ने आपका टाइप किया है विथ नीरा टू ऑफर पर्सनल लोन्स देखिए मुठूट फाइनेंस जो है इट इज़ अ एन बी एफ सी अंडर दी आर बी आई ठीक है और इसने आपका जो है वो हाल ही में आपका नीरा के साथ जो है वो टाइप किया है नीरा गाइस बेसिकली आपका एक फाइनेंशियल टेक कंपनी है और उसके साथ इन्होंने किया है और इस पार्टनरशिप के तहत वो पर्सनल लोन्स आपके जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँगे बेसिकली द पर्सनल लोन दैट विल बी प्रोवाइडेड दैट कुड बी अप टू रुपीज़ वन लाख एक लाख रुपए तक का उन्हें पर्सनल लोन आपका मिल सकता है और इसके लिए वो नीरा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके ज़रिए बेसिकली uh, आपकी जो है ये लोन आपका बेसिकली ले सकते हैं नीरा की बात करें तो नीरा आपका बेंगलुरु बेस्ड फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टार्टअप है और बेसिकली ये पर्सनल लोन्स आपका देता है टू तो सैलरीड वर्कर्स फॉर सैलरीड वर्कर्स और ये लोन देता है टू तो पीपल जिनकी सैलरी बारह हज़ार रुपये तक भी है उनको भी ये आपका लोन जो है वो आपका जो है वो प्रोवाइड करता है तो इसके लिए नीरा के साथ आपका टाइप किया है आपके मुठूट फाइनेंस ने ठीक है दे हैव टाइड अप विद नीरा फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप क्लियर है सबको एवरी वन एवरी वन क्लियर अच्छा गाइज मुठूट की बात करें तो मुठूट एज अ कंपनी इंपॉर्टेंट है मुठूट फाइनेंस जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपके दोस्तों कोची में है ठीक है और ये कंपनी आपकी 1939 से एक्टिव है और इसके जो अभी इस समय आ, हाँ ये आपकी एक्टिव है और ये कंपनी इस कंपनी के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम भी पढ़ लीजिएगा उनका नाम दोस्तों जो है आपका वो है जॉर्ज मुठूट जॉर्ज मुठूट ये इस कंपनी के आपके दोस्तों जो हैं वो मालिक है याद है क्लियर है सबको एवरीवन समझ में आ गया यहां तक गाइस फटाफट जरा वीडियो को शेयर कर दो लेट्स क्रॉस दो सो आज फटाफट कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो एवरी वन अनीरा का फुल फॉर्म रेलवेंट नहीं है सर चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट पे uh, हाँ आगे बढ़ने से पहले कई एग्जाम थर्टी कोड याद रखना फॉर आर फॉर आर बैचेस और एग्जाम सिक्सटी कोड है फॉर ब्रह्मास्त्र एग्जाम थर्टी कोड से आपको हर बैच में मिलेगा थर्टी परसेंट ऑफ और सिक्सटी कोड से आपको मिलेगा ब्रह्मास्त्र पे सिक्सटी परसेंट ऑफ आगे बढ़ते हैं जियो जिट हैज़ इंटरपैक्ट विद पंजाब नेशनल बैंक टू ऑफर थ्री इन वन अकाउंट बेसिकली एक थ्री इन वन अकाउंट ऑफर करने के लिए जियो जिट ने टाइप किया है विथ विथ पंजाब नेशनल बैंक बेसिकली टाइप किया गया है रिटेल कस्टमर्स के लिए जो उनके सेविंग्स कस्टमर हैं उनके लिए टाइप किया गया है ताकि वो पैसे सेव ज़्यादा कर सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ताकि अपने इनकम लेवल्स को वो मेनटेन कर पाएँ बेसिकली uh, ये थ्री इन वन अकाउंट है जिससे पी कस्टमर्स के लिए इजी होगा फंड्स का ट्रांसफ़र करना साथ और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को मीट करना तो ये तीन काम करेगा आपका एक काम करेगा एक तो आपको सेविंग्स और कराएगा दूसरा आप इन्वेस्ट कर सकते हो कैपिटल मार्केट में इससे और तीसरा आप इज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली आप अपने इनकम लेवल्स को इससे आप बढ़ा सकते हो तो एक थ्री इन वन अकाउंट जो है उसके लिए जियो जिट ने आपका टाइप किया है विथ पी ठीक है ये टाइप किसका है आपका ये टाइप आपका जियो और पी uh, का दोस्तों जो है वो टाइप आपका यहाँ पर दिया गया है uh, जी और इस ये आपका जो लोन है ये थ्री इन वन अकाउंट आपका जो है वो लोन आपका किया गया है बेसिकली होगा क्या कि देखो जियो जिट जो है ना ये आपकी एक ट्रेडिंग कंपनी है तो जियो जिट पर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा ठीक है इस अकाउंट को ओपन होने के बाद कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जियो के जरिए आप इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो करना स्टार्ट कर जाएंगे अकाउंट आपका पंद्रह मिनट में स्टार्ट हो जाएगा और आप इजीली जियो के जरिए आप अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे देखो बात समझना ध्यान से यहाँ पर यहाँ पर होगा क्या कि एक डीमैट अकाउंट एक डीमटिलाइज अकाउंट आपका ओपन होगा डीमैट अकाउंट बेसिकली अकाउंट होता है जिसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और अपने सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन रख सकते हो तो उसके लिए जियो जो है उसने आपका टाइप किया है पी के साथ आ, कुछ टाइम पहले आ, आपका पी आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के साथ भी जियो का टाइप था पर क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आपका और यू आपका मर्ज हो गया पी में तो अब इसने पी के साथ सेम टाइप आपका किया है जिसमें वो उनको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा जो है वो आपका प्रोवाइड कर रहा है डी नहीं होगा सर डी अकाउंट होगा डी मैट इसका फुल फॉर्म है आपका डी मर्टिलाइज अकाउंट जिसे आप पेपरलेस अकाउंट या फिर ऑनलाइन अकाउंट आप कहते हो मनीष शर्मा जी डिफेंस कंटफेज अगर होंगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा मुझे उसमें दिक्कत नहीं है नूतन यादव जी थ्री इन वन का मतलब होता है आपका सेविंग आपका इन्वेस्टमेंट और आपका सिक्योरिटी मतलब आपको सेविंग्स में भी हेल्प करेगा उस पैसे को इन्वेस्ट करने में भी हेल्प करेगा और आपके अकाउंट के अंदर पैसे को सिक्योर करने में भी आपका हेल्प करेगा उसे हम थ्री इन वन अकाउंट जो है वो नूतन जी हम कहते हैं समझ में आ गया नूतन जी चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है ऑन ग्लोबल रेमिटेंस ये एक रिपोर्ट दोस्तों अभी हाल ही में आपका जो है वो आया है और आ, अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया को आपका एट्टी थ्री बिलियन डॉलर्स जो हैं वो रेमिटेंसेस में आए हैं ये इंडिया का आपका दोस्तों रेमिटेंसेस हैं अगर हम कंपेयर करें इसको चाइना से चाइना को आए हैं आपके फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर्स और इसी के साथ इंडिया जो है उसका ड्रॉप सिर्फ आपका नेगेटिव पॉइंट टू परसेंट का है ये उसका ड्रॉप है आपका पर फिर भी उसने पैंडमिक में भी अपना जो परफॉर्मेंस है रेमिटेंसिस का वो काफ़ी आपका बेहतर दोस्तों किया है अगर हम इसी को कंपेयर uh, करें चाइना से तो चाइना का गैप काफ़ी ज़्यादा है उसका 68.3 बिलियन डॉलर्स था आपका 2019 में जो कि अब कितना हो गया आपका 59.5 बिलियन डॉलर्स एज़ पर द डेटा और इंडिया का जो आपका है वो है 83.3 बिलियन डॉलर्स अच्छा अगर इंडिया कंपेयर करें तो इंडिया का 2019 में आपका था 83.3 बिलियन डॉलर्स और 2020 में कितना है आपका 83 बिलियन डॉलर्स तो आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ आपका पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर्स का अंतर आया जो कि करीब पॉइंट टू परसेंट का आपका जो अंतर है वो यहाँ पर आया है और उसका रीज़न है आपका यूएई में एक सेवेंटीन परसेंट ड्रॉप यूएई से आपका 17 परसेंट ड्रॉप आया है रिमिटेंस का पर उसको कवर अप किया है यूएस और अदर कंट्रीज ने तो मैं आपको रिपीट फिर से कर दूंगा इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ रिसीव्ड एटी थ्री बिलियन डॉलर्स इन रेमिटेंसेज जो लोग नहीं जानते रेमिटेंसेज क्या होते हैं रेमिटेंस इज़ वेन करेंसी और मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एक देश से दूसरे देश जब आपका पैसा जाता है उसे हम रेमिटेंस कहते हैं तो इंडिया को 83 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस रिसीव हुआ है इन ट्वेंटी ट्वेंटी एज पर द वर्ल्ड बैंक जहां पर आप नंबर्स भी देख सकते हो इंडिया का डिक्रीज हुआ था पर यू के सपोर्ट से और अदर कंट्री सपोर्ट से जो सेवनटीन परसेंट का ड्रॉप था यू से उसको भी हमने कवर दोस्तों जो है वो आपका कर लिया है स्क्रीन uh, पे आप देख सकते हैं ये फिगर दिए हुए हैं कहां कहां से कितना पैसा आता है फॉर एग्जांपल करीबियन और लैटिन कंट्रीज से 6.5 परसेंट इंक्रीज हुआ साउथ एशिया से 5.2 परसेंट इंक्रीज हुआ नॉर्थ अफ्रीका से 2.3 परसेंट इंक्रीज हुआ पैसिफिक ईस्ट एशिया से सेवन परसेंट आपका गिरा साउथ uh, एशिया से गिरा आपका नॉर्थ uh, अफ्रीका से, से गिरा सेंट्रल एशिया से गिरा और आपका सब सन अफ्रीका से भी आपका गिरा पर बिकॉज ऑफ़ दीज फैक्टर्स करीबिया लैटिन कंट्रीज़ साउथ एशिया और आपका नॉर्थ अफ्रीका यहाँ से आपका इंक्रीज़ हुआ था इस वजह से ये आपका जो है वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका जो है वो यहाँ पर नहीं पड़ा कई आपकी एजेंसीज हैं जो कि आपका क्रेडिट करती हैं ग्रोथ रेट को जैसे कि फ़िच हो गया मूडीज़ हो गया एस हो गया आर हो गया कई एजेंसीज हैं जो आपका प्रेट करती हैं कि आपका कितना रहेगा ग्रोथ रेट तो अब आपका जो एच बैंक है उसने भी दोस्तों जो है वो प्रिडिक्शन दिया है उसने भी आपका जो है वो प्रिडिक्शन दिया है उसके हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा दैट विल बी एट टेन परसेंट फॉर द कमिंग ईयर फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर उसका जो कहना है वो आपका रहेगा टेन परसेंट पहले उसने कहा था इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट जिसको उसने 1.5 परसेंट कम करके बिकॉज ऑफ द कोविड वेव उसने इसको 10 परसेंट आपका दोस्तों जो है वो कर दिया है अगर ये कोविड 19 आपका इंक्रीज किया और अगर आपका वर्स्ट केस सीनारियो आया तो वर्स्ट केस सिनारी में आपका जो ग्रोथ रेट रहेगा दैट विल बी एट एट परसेंट तो उसने एक रेंज दी है कि अभी की बात करें तो अभी आपका एलेवन पॉइंट फाइव परसेंट पर रहेगा पर अगर हम कंपेयर करें इसको वर्स्ट केस में कि आगे कोविड नाइन्टीन आपका और चलता रहा और बढ़ता रहा तो उनके हिसाब से जो ग्रोथ रेट रहेगा वो इलेव और टेन परसेंट से गिरकर वो आपका एट परसेंट पर रहेगा प्रियशीनाथ रेटिंग्स आर इंपॉर्टेंट पर रेटिंग्स का एक अलग से लिस्ट बना लेना बिकॉज रेटिंग्स पर एंड में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम कंपेयर करें एस से तो एस ने कहा था टेन जिसको उसने अब कम करने की बात कही है टू नाइन पॉइंट नमूरा ने टेन कहा है पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो कई एजेंसीज़ ने अपने ग्रोथ रेट्स को कम करना दोस्तों जो है वो स्टार्ट कर दिया है इसी को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम केयर केयर रेटिंग्स ने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो आपका रहेगा 9.2 परसेंट पर एज पर दी केयर्स रेटिंग्स उनके हिसाब से जो ग्रोथ रेट रहेगा दैट विल बी एट 9.2 परसेंट और इन्होंने पहले कहा था आपका 10.2 परसेंट तो इनके ग्रोथ रेट में भी आपका एक परसेंट का डिक्रीज आपका देखा गया है जो इन्होंने अप्रैल ट्वेंटी में कहा था दैट इंडिया विल ग्रो एट टेन नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू परसेंट मोर दैट इज एट नाइन टू परसेंट क्लियर है सबको अच्छा आगे बढ़ते हैं शकुंतला हर आ, हराक सिंह थिलस्टेड ये इनका नाम है जो कि इंडियन रेसेंट की हैं उन्हें इस साल का आपका वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है वो दोस्तों आपका दिया गया है शी हैज बिन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिस ईयर पिछले साल ये अवार्ड आपका दिया गया था रतन लाल को और इस साइड ये जो अवार्ड है ये दिया गया है टू मिस शकुंतला हरक सिंह तिल्स उनको ये सम्मान जो है वो आपका दोस्तों दिया गया है आ, बेसिकली डॉक्टर शकुंतला जो हैं वो एक ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और उन्हें ये सम्मान आपका दोस्तों जो है वो दिया गया यस शी हैज बिन अवॉर्डेड विद दिस पर्टिकुलर ऑनर एंड जी उनको ये अवार्ड दिया गया है इससे पहले रतन पी रतन पी लाल जी को ये अवार्ड दोस्तों जो है वो आपका दिया गया था बेसिकली uh, uh, इनको इनके जो फिश uh, सिस्टम्स में एक्वेटिक सिस्टम्स में इनके जो काम है उनके लिए इनको ये सम्मान जो है वो आपका दोस्तों दिया गया है इन, इसमें इनको दिए जाएंगे टू फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स का एक प्राइज़ बनी ये अमाउंट इनको दोस्तों इसमें दिया जाएगा और ये अवार्ड इनको दिया गया है फॉर ह्वेटिक सिस्टम सपोर्ट उसके लिए इन्हें दोस्तों जो है ये दिया गया है बेसिकली ये बिलोंग करती हैं फ्रॉम त्रिदाथ तेबैगो और डेनमार्क दोनों के लाइसेंस के पास है और इन दोनों और इनको इसी के लिए दोस्तों जो है ये आपका जो सम्मान है फिश सिस्टम्स के लिए इसके लिए इनको जो है ये सम्मान आपका दोस्तों दिया गया है हाँ ये पैदा हुई थी चुनार तबैगो में और ये अब रहती हैं डेनमार्क में और जी एंड यस यस बेसिकली uh, has been बिन अवार्डेड फॉर हर रिसर्च इन nutritious न्यूट्रिशियस फिश and एंड ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग लो इनकम फैमिलीज ग्लोबली फॉर की न्यूट्रिएंट्स और इस वजह से इनको ये सम्मान जो है वो आपका दोस्तों दिया गया है ठीक है हाँ uh, एक ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है वर्ल्ड फिश वर्ल्ड फिश में ये ग्लोबल लीडर या ग्लोबल लीड के तौर पर काम करती हैं फॉर न्यूट्रीशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड इनको ये अवार्ड अभी हाल ही में आपका दोस्तों दिया गया इनका नाम है आपका शकुंतला हरक सिंह नाम याद रहेगा सबको एवरी वन हाँ आगे बढ़ते हैं गाइस एक बुक आई है उस बुक का नाम है 1970 बुक 1971 इस बुक को आपका लिखा है बोरिया मजुमदार ने और गौतम भट्टाचार्य ने इट इज़ द बुक नेम 1971 सेवनटी वन बिगिनिंग ऑफ इंडिया क्रिकेटिंग ग्रेटनेस और इस बुक में कई एनेक्टोटल इवेंट्स आपके दोस्तों जो हैं वो दिए गए हैं रिगार्डिंग द 1971 सेवेंटी वन लाइज अफेयर एंड उस बुक को लिखा है आपका बोरिया मुजमदार ने और गौतम भट्टाचार्य ने ठीक है गाइस क्लियर हो गया सबको हाँ अब आते हैं गाइस हमारे आज के हिंदू एनालिसिस पे आई होप यहां तक आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हिंदू एनालिसिस स्पटनिक फाइव जो है उसके शॉर्ट्स आपके अगले हफ्ते से अवेलेबल होंगे एज पर द नीति आयोग हेल्थ मेंबर वी के पॉल वी के पॉल वही हैं जिन्होंने मार्च में आगाह किया था इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट को कि आपका थर्ड सेकेंड वेव आएगा उन्होंने ही कहा है कि जो स्पटनिक फाइव है जिसे आपका बनाया है गमले इंस्टीट्यूट ने ऑफ रशिया और रशियन डायरेक्ट फंड ने जिसे फ़ंड किया है वो आपका नेक्स्ट वीक से इंडिया में शुरू हो जाएगा और करीब 216 करोड़ डोजेज़ जो हैं वो इंडिया में अवेलेबल होंगी आपका बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर इसको बनाएगा इंडिया में आपका डॉक्टर रेड्डी लेबरेटरी और जो हैदराबाद में बनाएगा इसको और ये ऑगस्ट दिसंबर में आपकी आपका करीब टू सिक्सटीन करोड़ डोजेज जो हैं वो आपकी दोस्तों जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी ठीक है इस वैक्सीन का नाम है आपका स्पटनिक फ़ाइव बिल्कुल सही इसकी एक नेज़ल वेरिएंट भी आपका आया है जिसको इंडिया आपका अगस्त उग, में आपका परचेज करने वाला है तो मैं भी फिर से करूँ आपके लिए गाइज़ स्पटनिक फाइव शॉट्स आपका अवेलेबल होगा इंडिया में कमिंग नेक्स्ट वीक याद है सबको चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस एक वर्ड है आपका वो का, वो वर्ड वर्ड का है आपका आई मैं चाहता हूं एक बार जरा मेरे को आप बताओ ओ का फुल फॉर्म क्या है वॉट डज ओ सी आई बेसिकली स्टैंड फॉर देखिए ओ सी आई का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर पीपल हु हैव एन इंडियन ओरिजिन उनकी इंडियन ओरिजिन तो हैं उनके हस्बैंड, वाइफ या उनके कुछ फैमिलीज़ uh, में लोग होते होंगे बट हु होल्ड फॉरेन पासपोर्ट्स रिपीट गाइज़ ओवरसीज इंडियंस आर पीपल ऑफ़ इंडियन ओरिजिन बट हु आर होल्डिंग फॉरेन पासपोर्ट्स इंडिया वैसे भी आपका डूअर सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है एज़ पर दिटीजनशिप एक्ट पर वो ओ को ज़रूर अलाउ करता है और लाखों में उसने ओ कार्ड जो हैं वो आपके बांटे हैं तो गाइज़ होम मिनिस्ट्री ने एक ऐलान किया था कि जो ओ सी आई कार्ड होल्डर्स हैं वो सिर्फ़ एन आर आई कोटा का सीट्स आपका फिल कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं इंडिया में इंस्टीट्यूशंस में इंडिया में पढ़ाई करने के लिए और उसमें भी वो डॉक्टर्स डेंटिस्ट नर्सिस फार्मासिस्ट एडवोकेट आर्किटेक्ट सीए इन सेक्टर्स में ही वो आपके परसू कर सकते हैं बाकी सेक्टर्स में अगर उन्हें पढ़ाई करनी है तो उसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन आपका लेना पड़ेगा बात समझिएगा अकॉर्डिंग टू अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेटेस्ट अपडेट एट नोटिफिकेशन फॉर ऑल ओ सी आई होल्डर्स दे कैन ओनली क्लेम एन आर आई कोटा वो किसी और कोर्टे में नहीं जा सकते नंबर वन नंबर टू कुछ सेलेक्टिव प्रोफेशंस हैं जिनके सेक्टर्स में वो परसू कर सकते हैं प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर्स होगी नर्सिंग हो गया डेंटिस्ट्री uh, हो गई फार्मास फार्मेसी हो गई एडवोकेसी हो गई आर्किटेक्ट्स हो गए सी ए हो गए उसमें ही कर सकते हैं बाकी में अगर करना है उनको तो उनको स्पेशल परमिशन देना पड़ेगा स्क्रीन पर भी आप ये देख सकते हैं इंडिया के अंदर उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है रूल सिटीजनशिप और बेसिकली इंडिया में करीब थर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू लाख इतने ओ सी आई कार्ड होल्डर्स इंडिया में हैं और उनके लिए ये लॉ है जिसमें कि वर्फ एन आर आई कोटा का यूज़ कर सकते हैं एजुके इंस्टीट्यूशन में नंबर वन एंड नंबर टू वो सिर्फ इन प्रोफेशन में ऑटोमेटिकली परसू कर सकते हैं अगर बाकी प्रोफेशन परसू करना है तो उन्हें स्पेशल परमिशन आपका दोस्तों जो है वो लेना पड़ेगा समझ में आ गया सबको कमेंट कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में यस सर यस सर यस सर नहीं एन के लिए तो और ऑप्शंस भी हैं पर ये ओ की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एनआरआईस की तरह तो होते हैं पर वो इंडियन सिटीजन आपके कभी नहीं बन सकते अरे भाई अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा आपके एनआरआई कार्ड होल्डर्स हैं एनआरआई में आ जाएंगे समझ रहे हैं आप हाँ वो एन में आ जाएंगे आपके ओ में कौन आएगा सोनिया गांधी जी आती होंगी अब तो खैर वो इंडियन सिटीजन होगी होंगी पर वो आती होंगी उन्होंने इटली की सिटीजनशिप बंद कर दी होगी पर हाँ सोनिया गांधी जी आती या फिर इनफैक्ट मैं अगर मैं कहूँ तो शायद आपके आ, राहुल गांधी भी आते हैं मैं वो चेक कर लूँगा पर हाँ राहुल गांधी शायद नहीं आते वो एन में आते हैं क्योंकि उनका पासपोर्ट उनका नाम डिफरेंट है जी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम्स uh, ग्रुप की चेयरपर्सन थी इनका नाम था इंदू जैन ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी इनका कोविड नाइन्टीन की वजह से उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनका दोस्तों जो है वो हाल ही में आपका देहांत हो गया मैं आपको एक बात बताऊंगा एग्जैक्ट पिछले साल मैं यही खबरें इंडिया से बाहर सुनता था कि बिकॉज ऑफ़ कोविड नाइन्टीन हार्ट अटैक आ गया बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन मलेरिया हो गया टाइफॉइड हो गया और अब ये खबरें जो हैं मैं इंडिया से सुनता हूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है Uh, योगेश शर्मा जी लिनियत से भी है और uh, आपके इस मैरिज से भी है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू मैरी अ फिरंगी देन दैट फिरंगी कुड कुड ओ सी आई ऑल राइट जी हाँ अब आपके मन में क्या लग रहा होगा सर आपके मुंह में घी शक्कर पर ठीक है अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं कोवैक्सिन जो है जो कि इंडिया की वैक्सीन है Uh, जिसका अप्रूवल दिया गया था फॉर पीपल अबव द एज ऑफ एटीन एंड अबव दर्टी फ़ाइव अब एक जो ट्रायल है फॉर द आर इन्फेंट्स फॉर आर चिल्ड्रेन फॉर द एज बिटवीन टू टू एटीन उनका जो जो आपका ट्रायल है उसके फेज़ टू और फेज थ्री ट्रायल के लिए डीसीजीआई uh, ने जो uh, जो रिकमेंडेशन था सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का उस रिकमेंडेशन को उसने एक्सेप्ट कर लिया है और ये ट्रायल आपका जो है विल बी कंडक्टेड अमंग 525 हेल्दी फाइव वॉल्टियर्स और बेसिकली उन्हें दो डेज दिए जाएंगे एक डे ज़ीरो पर और एक डे ट्वेंटी एट पर और चेक किया जाएगा कि क्या उसका असर रहता है तो उसका फेज़ टू और फेज़ थ्री ट्रायल जो है वो आपका दोस्तों कोवैक्सिन का होने वाला है इंटरेस्टिंग बात है सो कोवैक्सिन इज़ प्लानिंग टू बेसिकली हैव अ ट्रायल ऑन चिल्ड्रन और पीपल अमंग द एज ऑफ एटीन एंड इस ट्रायल को अप्रूवल uh, 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 आपका वी जी सोमोनी अरे मानस वैन जी कुछ भी गर, बलराम भार्गव और सी के हैं डी के आपके कौन हैं कौन है भाई वी सुमोनी है हाँ तो उन्होंने अप्रूवल दिया है भारत बायोटेक के इस वैक्सीन के अच्छा एक चीज बताऊंगा मैं आपको भारत बायोटेक के जो लैब है उसमें सेवनटीन लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए पता है आपको ये भी कल की खबर थी पेपर में कि सेवनटीन लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए उनकी आ, उनकी लैब में उस वजह से भी ये न्यूज़ में था चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एनालिसिस में सबसे पहले बात करते हैं ये जो पेपर हम यहाँ टेकअप करते हैं ये पेपर आपका है बिजनेस स्टैंडर्ड का तो इसको ज़रा आइए एक बार टेकअप कर लेते हैं आ, सुजुकी इंडिया जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया है उसके नए आपके कंपनी हेड बने हैं सतोशी उकीदा ठीक है और इन्होंने रिप्ले, इन्होंने रिप, इन्होंने रिप्लेस किया है कोई कीरो को एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द सुजुकी इंडिया कंपनी उसके ये दोस्तों आपके जो हैं वो नए हेड दोस्तों बनाए गए हैं नेक्स्ट गो एयर हैज़ बीन रीब्रांडेड एज गो फर्स्ट अहेड ऑफ इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गो एयर हैज़ बीन रिक्रिसेंट एज गो फर्स्ट

उस कंपनी में उन्होंने दोस्तों जो है अमेज़न पे में उन्होंने दोस्तों जो है वो ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज़ जो है वो आपके लगाए हैं इट इज़ कम्पीटिंग विद कंपनीज लाइक फ़ोन पे अली बाबा बैक पे टी एम या गूगल्स मोबाइल पेमेंट गूगल पे तो उसने अमेज़न पे जो है उसमें दोस्तों इन्वेस्ट किए हैं आपके टू ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज़ सिंपल है री किसी मतलब रीनेम किया है रीनेम किया है सर चलिए आगे बढ़ते हैं आर ने अभी हाल ही में बंगाल का जो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है जो कि आपका बगनान वेस्ट बंगाल में बेस्ड है एडुकुट कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स ना बनाने की वजह से उसका जो लाइसेंस है वो आपका मे थर्टीन को आपका दोस्तों कैंसिल किया है इसके अलावा जो भी उसके उनके स्टेक उनके डिपॉजिटर्स हैं उन्हें पूरा अमाउंट दिया जाएगा ऑफ़ द डिपॉजिट्स बाय द डी वो उनको पूरा अमाउंट जो है उनको वो रिटर्न आपका दोस्तों जो है वो वो आपका चेंज किया जाएगा तो मैं बीच फिर से करता हूँ गाइज आर जो है उसने जो लाइसेंस है उस लाइसेंस को दोस्तों उसने कैंसिल किया है फॉर द कस्टमर्स और ये लाइसेंस फॉर द यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक और उसके जो कस्टमर्स हैं उनको दोस्तों पूरा रिफंड आपके उनके डिपॉजिट्स का जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस कम बैंक का नाम है आपका द यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक आगे बढ़ते हैं के uh, पी शर्मा ओली जिनकी सरकार गिर गई थी ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर एज द ऑपोजिशन अलायंस ऑफ नेपाली कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल वो मेजॉरिटी आपकी ना ला पाई इस वजह से इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज दी नेपाली प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया था आपको दो दिन पहले कि आपका जो नेपाल की सरकार है वो गिर गई थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेजोरिटी और अब इनको फिर से अप्रूवल जो है वो आपका दोस्तों दे दिया गया है नेक्स्ट पर आते हैं साउथ कोरिया जो है उसने एक अनवेल किया है एम्बिशस प्लान टू स्पेंड 450 बिलियन डॉलर लोन टू बिल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप मेकिंग बेस ओवर द नेक्स्ट टिकेट जिसमें आपका वो चाइना और यूएस को जॉइन करेगा इन द डोमेटिंग टेक्नोलॉजी इसके लिए सैमसंग और एस के हाइनिक्स जो है उन्होंने करीब 510 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट को जीता है और वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 450 बिलियन डॉलर्स का जो आपका एक प्लान है उस प्लान को आपका लॉन्च करेगा साउथ कोरिया और अपने आप को दुनिया का बिगेस्ट चिप मेकर बनाएगा इन द कमिंग टिकेट मनीष शर्मा जी क्योंकि सामने वाला अप्रूव नहीं कर पाया इसका मतलब है कि बाकी को नंबर्स हैं तो अभी के लिए आपके जो ओली हैं जिन्होंने गोली खाई थी वो आपके अभी भी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे आगे बढ़ते हैं गूगल पर फाइन पड़ा है 123 मिलियन डॉलर्स का इटली की जो एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग है उन्होंने उस पर दोस्तों जो है वो आपका फाइन लगाया है और ये फ़ाइन लगाया है बिकॉज उन्होंने एक ई मोबल्टी ऐप है जिसको एन डेवलप किया था उसको उन्होंने एक्सक्लूड किया था गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम पे और इस पर्टिकुलर एनएल का जो जूस पास है उसको एंड्रॉयड ऑटो पे आपका अलाउ करने को मना किया था इसकी वजह से और इस वजह से जो आपका इटली का एंटी ट्रस्ट कम वॉचडॉग है एंटी कंपनी है उसने एक मिलियन डॉलर्स का फ़ाइन लगाया है किस पर गूगल पर यह फ़ाइन आपका दोस्तों लगाया है एंटी ट्रस्ट मतलब क्या होता है जब एक कंपनी आपकी मिसयूज़ करती है अपनी पावर्स का उस पर जब आप कोई केस करते हो दैट इज़ एंटी ट्रस्ट इसके अलावा गाइज़ विद दिस वी विल कम टू एन एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाकी ये आपका कुदो क्वेश्चन का होमवर्क है इसके आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स में इसके आंसर चाहिए अब आपसे मिलेंगे हम कल सुबह आठ बजे फिर से तब तक के लिए दोस्तों आपका शुक्रिया बबाई गाई आ, ओके नूतन यादव जी एंटी ट्रस्ट वॉजर मतलब होता है एक ऐसी एक ऐसा रेगुलेटर जो कि इंश्योर करता है कि कोई भी कंपनी आपकी एंटी ट्रस्ट ना करे बात समझना मतलब कोई भी कंपनी अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे उस कंपनी उस एजेंसी को हम कहते हैं नूतन जी एंटी ट्रस्ट वॉच क्लियर है आपको चलिए सो विदेश वी विल कम टू इन एंड गाइज कल मिलेंगे आपसे फिर आई विल ट्राई कि आज सेवन पी पे मिलूँ मैं आपसे पर कल तो कन्फर्म मिलूँगा मैं आपसे ऑल राइट बाय गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टेक केयर एवरी वन बाय